कैसर भाई, जी जी मैं कुछ मिस कर जी मैं कुछ मिसकंसेप्शंस जो है जो आपके हैं उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप एडवर्ट्स कैसर भाई की बात, कैसर भाई आप अपनी बात रखते ताकि बात ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमें 1 आवर डेडिकेटेड करना है मुसलमानों के लिए भी, तो इनको मेन टॉपिक पे ले आइए प्लीज। जी एडवर्ड सईद से लेके फलस्तीन के लीडर यासिर अराफात और पैलेस्टीनियन कभी भी ये साबित नहीं कर पाए कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी फलस्तीन नेशन एग्जिस्ट करता था या अरब यूनाइटेड अरब नेशन एग्जिस्ट करता था। चलें फर्स्ट बस, बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है ये कि आपकी एक शदीद जो गलतफहमी है, लेकिन आपको चूंकि हिस्ट्री का इधर पता नहीं है, और जनरली स्पीकिंग मैंने जो इंडिया के लोग हैं उनका हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत वीक देखा है, शायद ये बॉलीवुड नहीं, का ज्यादा हैंगओवर है। ये एडवर्ड सईद भी नहीं साबित कर पाए, ना तो फिलिस्तीनी आज भी नहीं साबित कर पाते, क्योंकि वो एथनिकली लिंगुअली और मैं बता रहा हूँ, ये हार्वर्ड और अच्छा ऑक्सफोर्ड वो सब जगह लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं। फिलिस्तीन नहीं, वो ऑटोमन एम्पायर था, उससे पहले वो अच्छा आप यहाँ ममलूक थे, पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे कैसर भाई को, जब कैसर भाई ठीक। बात कंप्लीट करेंगे ना तब तक आप बोलिएगा नहीं बीच में, वरना मुझे इस तरह स्टेज अप पर आपको ऐड करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कैसर भाई आप अपनी बात पूरी रख लीजिए, अनुज भाई आप टॉपिक पे आ जाइए। जी कैसर भाई आप बात कर लीजिए। वो उनको मेरे ख्याल में पता भी नहीं होता कि आपने उनको रिमूव किया, वो होता है वो बैक स्लेव में भी शायद देख रहे थे। डिफेंड अनुज करूं साहेब, इस पे मैं आपके साथ टाइम जाया नहीं करूंगा। अगर जिस इंसान में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता है ना, उसको इतनी अकल होती है कि वो इस तरह की फजूल बात नहीं करता। फिलिस्तीन का जिक्र शेक्सपियर की किताबों में भी है, जो इनका रॉथस्चाइल्ड का और बाल्फर का आपस में एग्रीमेंट हो रहा था कि यहूदियों उस जमाने के जो है सहूनी, उनको कहाँ पे आबाद करना है, वो एक जगह का नाम ले रहे थे, उस जगह का नाम है फिलिस्तीन। ये उनकी डॉक्यूमेंट्स में बातें आपको मिल जाती हैं, उस जमाने के जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे उन शहरों के नाम। ये जो 7 लाख लोगों को घरों से निकाला था, ये कहाँ से निकाला था? फिलिस्तीन से निकाला था, फिलिस्तीन से। ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन खैर मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे आपको मैं लेसन देने अब के मैं लिए भी बोलूं, बैठा हूँ, नहीं करूंगा। नहीं आज का जो रुकिए, टॉपिक है इस पे आप तशरीफ लाइए कि जो इसराइली कर रहे हैं ये दहशतगर्दी है, संघी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनकी? दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो यहूदी थे, चाहे वो बाहर के हो, ये क्या है कैसर भाई आप पता नहीं, सवाल मेरा क्यों सबक लॉन्च याद कर रहे हैं, करके आए हैं, वही इन्होंने पढ़ देना है। वो पेपर रख के आगे बैठे, मैं डिफेंड करूं डिफेंड करूं सब, मैं लास्ट टाइम ऐड कर रही हूँ, कैसर भाई ने जो सवाल किया है उसी पर जवाब देना है। हिस्ट्री खोली तो आप फिर घर पे पढ़ेंगे हिस्ट्री अपने। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कैसर भाई एंटी हिस्ट्री हो जाएंगे या एंटी सेमेटिक हो कैसर जाएंगे? भाई मैं ये मुझे पूछ ये कह रहे सकता हैं कि आज हमारा एक टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन दो है, इसराइल दहशतगर्दी करता है, डू यू एक्सेप्ट इट? इफ नॉट, व्हाई नॉट? और अगर वो कर रहा है, दूसरा सवाल ये कि कर रहा है तो जो संगी हैं ये मुसलमान के खून बहने पे इतना खुश क्यों हो रहे हैं? स्टिक टू द टॉपिक मैन। नहीं, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो देखिए, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि ये जो आप बातें कह रहे हैं कि अगर कोई कराची या लाहौर के ऊपर अगर 5,000 रॉकेट फेंक दे तो वो क्या है, वो होलोकॉस्ट होगा या वॉर होगा अपने या वो यूपी के जेनोसाइड? व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपकी है उनसे कहें कि जब हमें आप ये तोते की तरह पढ़ाते हैं ना तो मुख्तलिफ शहरों के नाम ले दिया करें, एक ही उसका कराची 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 कराची, और जो कराची पे अगर कोई 5,000 मिसाइल मार देगा तो कराची जवाब देगा, लेकिन कराची ने किसी पे कब्जा नहीं किया हुआ है। यू नीड टू नहीं, अंडरस्टैंड तो दिस पॉइंट। यही तो बात हिस्ट्री से रिलेटेड है कि उन्होंने कोई खाली जमीन पे वो आए हैं जब दुनिया में कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, और 7 फलस्तीन लाख जैसा कोई लोगों देश को नहीं घरों था। से निकाला था, नाकबा किनके खिलाफ हुआ था? पत्थरों के खिलाफ, दरख्तों के खिलाफ। नकबा जो है वो 1967 में जो आप बता रहे थे वो वॉलेंटरली आए थे, जब अब्दुल नासिर ने ये कहा था कि आप आ जाइए, मैं इसराइल की रियासत को ही मिटा दूंगा, हम लोग मिटा देंगे। तो 7,20,000 यहूदी भी आए हैं इसराइल में, ये एक फैक्ट है, और 6,20,000 मुसलमान जो वहां के जो सी है ये वो है आप गए हैं। लोग, अनुज अनुज यार मुझे फ्रस्ट्रेट करना बंद करो, आप लोग वाकई ही इतने अकल से पैदल होते हो कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि नाकबा 1948 में हुआ है कि 1967 में हुआ है, ये भी नहीं पता? 7 लाख यहूदियों को वो 67 में, मुसलमानों को 67 में निकाला था या 48 में निकाला था? यार जो ये भी आदमी फैक्ट आपको चाबी दे के पीछे से भेजता है ना, जो भी आदमी, उसे कहा देख, करो कि हमें पूरे सनातन की इज्जत का, या मैं माफी चाहूंगा संघ परिवार की इज्जत का मामला है, कोई एक ढंग का बंदा भेज दो जिसको बेसिक हिस्ट्री पता हो। आप लोगों को ये भी नहीं पता और वो घूमने आ जाते,
छोड़े हिस्ट्री को, आपके बस की बात नहीं है, मुझे अभी बताओ हो रहा है, मुझे अभी बताओ कि जो वहां पे इसराइली कर रहे हैं, बच्चों की पिक्चर्स आ रही हैं उनके कटे फटे जिस्म के साथ और संगी नीचे मजाक बना रहे होते हैं, आपके दिल में कोई खौफ नहीं है, कोई आपके दिल में हमदर्दी नहीं है, अपने बच्चों को गले लगा के आपके दिल आपके आंखों से आंसू नहीं आते हैं कि यार वो भी किसी के बच्चे हैं जिनका हम मजाक बना के आए हैं, मुझे इसका जवाब दो। नहीं नहीं, जो हमास के लोग जो है वो बच्चियों को जो बीहेडिंग कर रहे हैं, वो भी गलत है और वो भी दोनों गलत है, बट हमास को इरेडिकेट करना होगा किसी भी तरह से, अगर वो इसराइल को इरेडिकेट करना होगा किसी भी तरह से, क्योंकि वो एक दहशतगर्द तंजीम है। बात ये नहीं है, आप लोगों ने ड्रामा किया और आपको पता है आप लोगों की क्या मजबूरी है, आप लोगों की मजबूरी है कि इसराइली आपको गालियां भी देते हैं और आपसे अपना काम भी कराते हैं। मैं आपको उसके दो तीन एविडेंसेस देता हूँ और ये बताना अपने काम कराते हैं। एक इमर्जिंग दुनिया में कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि इस दफा इंडिया के बिहाफ पे झूठ बोलने का ठेका संगियों को मिला था, ये बेबीज की बेहेड करने की खबर भी असल में इंडिया वालों ने चलाई थी, बाद में इसराइल को डिसओन करना पड़ा, इतने बड़े लेवल का बूबू मार दिया इन्होंने। इन्होंने सोचा कि ये बॉलीवुड नेशन, जैसे हम पाकिस्तान पे कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, और वो हमारा बकवास मान लेते हैं, इंडिया वाले लोगों को शायद सारी दुनिया वाले मान लेंगे, दुनिया ने एविडेंस मांगना शुरू कर दिया। अब वो बेहेडेड बेबीज किसी के भी नहीं निकल रहे, कहीं से भी नहीं आ रहे, आप तो अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं। लेकिन वो उनका जो है ना प्रॉब्लम, वो ये है कि वो आप लोगों को सब ह्यूमन समझते हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी उनके एक रैबाई का बयान है कि हिंदू जो हैं ये इनकी सजा है कि ये बुतों की परस्तिश करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इनको इनकी सजा है डेथ, इनको इनको मार दो। आप लोग उनके तलवे चाट रहे होते हैं, वो आगे से आपको इंसान नहीं समझते। अभी इसराइली एक आदमी आपके टीवी चैनल पे आया, शुरिया ढुंडियाल कुछ इस तरह सा बड़ा मुश्किल सा नाम है आप उसके एंकर पर्सन का, उसने कपड़े पहने हुए थे जिसमें तीन शेड्स थे, रेड था, ग्रीन था और ब्लैक था। उसने गुस्सा किया इस चीज पे कि उसने कहा मैं इसराइल के कपड़े पहन के आया हूँ, तुम फलस्तीन के कपड़े पहन के यहाँ पे क्यों बैठी हो, इसराइल का रंग जो है प्रिवेल करेगा। उसको ट्वीट पे आगे से वजाहत पेश करनी पड़ी कि नहीं मेरी ग्रैंड मदर का पता नहीं क्या था, मैंने इसलिए पहना था। वो लोग तो तुम्हारे कपड़े भी तुम्हें बताते हैं, तुमने अगर गलत पहने तो लाइव तुम्हारे टीवी पे आकर तुम लोगों की बेइज्जती कर देते हैं, और आप लोग उनके तलवे चाटे जा रहे हो। यार कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है नहीं है आप लोगों में? बोलो, भी रहना चाहिए फलस्तीन भी रहना चाहिए, पीस होना चाहिए, और होलोकॉस्ट की जो है वो खाली जमीन पे आए हैं, ये तो एक फैक्ट है। इवन उन्होंने जमीन खरीदी है, ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वो खाली जमीन पे आए, उन्होंने किसी को हटाया नहीं है, किसी को हटाया नहीं है। होलोकॉस्ट जो हुआ वो गलत था, इवन अमीन अल हुसैनी ने जो है उसको हिटलर को कहा कि उसको जो है उनको इरेडिकेट करो, और उनको कहा कि आप जो है इमाम महदी है, और इस तरह कह के कहा कि तुम तो एक मसाया हो, उनको कत्ल करो, कत्ल करो, ये गलत था। हाँ हाँ, ईमानदारी का टेस्ट करते हैं बिल्कुल। किसी भी मुसलमान ने अगर कहा ना कि यहूदियों को आप इरेडिकेट करो, गलत करो, ये गलत है, सॉरी ये गलत लोग हैं, इनको मार दो, मैं पब्लिकली कहता हूँ डंके की चोट पे कि उस मुसलमान ने गलत कहा। अब हिम्मत करो जरा, कहो गोलवारकर ने भी गलत कहा था? गोलवारकर ने कभी नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है, आप कोई भी दिखा दें, नहीं दिखा है किसी भी किताब में, कभी नहीं। बल्कि जो ये लोग माने जाते हैं वो तो प्रो ज्यूश माने जाते हैं, यहाँ तक कि चित्पावन जो ब्राह्मण है वो भी ज्यूश ओरिजिन ही माने जाते हैं, तो वो कैसे वो कर सकते हैं? यहाँ पे तो ज्यूश की तो पूरी जो है उनके साथ जो है पूरा वो है, उनके साथ उनकी कब्रें हैं यहाँ बम्बई के अंदर, वो चित्पावन वहां पे रहते हैं सब। यहूदियों का जो जेनोसाइड हुआ था, गोलवारकर ने क्या कहा था उस पे? उन्होंने उन्होंने बल्कि ज्यूश का सपोर्ट किया है, ये तो खुली बात है। इवन आरएसएस तो हमेशा से जो है वो ज्यूश को सपोर्ट करती आ रही है, उसको सपोर्ट, ये तो खुली बात है। तो अड़ा प्यारा हो जाए, आरएसएस बनी ही नाजीज के आइडियोलॉजीज पे है। नहीं नहीं, नाजीज को तो खुले, नाजीज को तो जो है उन्होंने अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी उन पे पूरे बेस थी, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उनको कहा कि ये तो नापाक हिंदू है, हम पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहते हैं कि नापाक लोगों को बाहर किया जाएगा और उनको हम सेकंड क्लास सिटीजन भी बनाएंगे, और उन्होंने वो चीजें पैक्ट ऑफ उमर से लिया था, पैक्ट ऑफ उमर वो नाफिज करेंगे, पैक्ट ऑफ उमर नाफिज करेंगे जो यहूदियों के ऊपर किया गया था। फिर वही बात, अभी मैंने आपको यार, जिस आदमी को ये भी ना पता हो ना, माइंड ना करना, जिस आदमी को ये भी ना पता हो ना कि नाकबा कब हुआ था, उसको इतने यकीन के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। आप यू हैव नो आइडिया, स्कूल में क्या पढ़ा देते हैं, किस चीज पे आपके वालदैन आप लोगों के पैसे जाया करते हैं। मैं भी आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ,
अगेन माइंड ना करना, गुस्सा भी ना करना, ये आप लोगों की हिस्ट्री है जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है, सॉरी आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जानी चाहिए। ये आपके जो है ना गोलवारकर साहब, मैं आपको जरा उनका मैं दिखा देता हूँ कि वो इस मामले में वो क्या समझते थे, जो यहूदियों के बड़े हक में थे ना, बड़े जो उनके हक में थे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि वो कितने उनके हक में थे। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? लोड हो रही कैसे भाई अभी? अब आ रही है नजर जी। क्या लिखा हुआ है? टू कीप अप द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर, जर्मनी शॉक द वर्ल्ड बाय पर्जिंग द कंट्री ऑफ द सेमिटिक रेसेस, द ज्यूज। जर्मनी हैज ऑल्सो शाउन हाउ वेल नाई इम्पॉसिबल इट इज फॉर रेस फॉर रेसेस एंड कल्चर्स हैविंग डिफरेंसेस गोइंग टू द रूट to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. Sharam se doob maro tum log, yahudiyon ke qatl ko tum log ek example banana chahte ho ki Hindustan ko tum aisa banana chahte ho aur keh rahe ho ki nahi humne Jews ki ki thi, nahi, ab talwe chaat rahe ho unke isliye ki tumhe pata chal gaya hai ki ab duniya mein hukumat unki hai, kiya kya hai tum logon ne, Mughal aaye unke talwe chaatne shuru kar diye, koi aur aaye unke talwe chaatne shuru kar diye, हिटलर की जब बल्ले बल्ले थी तो हिटलर के तलवे चाटते रहे, बता दिया कि बड़ा जो है वो गोलवारकर बता रहा है कि उनसे हमें भी सीखना चाहिए, भाग गया। हाँ, वेरी सॉरी आमर भाई, आज मुझ पे केस कर सकते हैं, रूहे अमरी जो मैंने उनकी क्लेम की हुई है, लेकिन आज मेरे पास मेरे दिल में हमदर्दी नहीं है, आज मेरे मुंह से निकलने लगा था कुछ। ये है इनका गोलवारकर, ये दुनिया भर में मुसलमानों को फैलाना चाहिए कि ये सीखना चाह रहे थे यहूदियों से कि हिंदुस्तान में भी हमें ऐसा करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। अब जो सहूनी है वो टॉप पे चले गए दुनिया में, अब ये उनके तलवे चाट रहे हैं। ये है इनकी औकात, अजीब अजीब हिस्ट्री उठा के कि वो फलस्तीन खाली था, वो खाली जगह थी, वो खरीद ली, ऐसी हवाओं में बातें। वो वेल एस्टैब्लिश हिस्ट्री जो है उसको पता नहीं कहां से वो क्लेम, लेकिन मजे की बात ये है किया था उन्होंने।